जो इंद्र को मार डाले। मंत्र पढ़कर के आहुति दी, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। मंत्र पढ़कर के आहुति दी और यज्ञ कुंड से वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। और वृत्रासुर दैत्य अत्यंत पराक्रमी इंद्र से युद्ध करने गया। युद्ध के मैदान में वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारा, इंद्र आए हैं, इंद्र को उनके ऐरावत के सहित उठा करके पटक दिया। वृत्रासुर, इंद्र का अस्त्र शस्त्र छूट गया। इंद्र ने देखा कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। युद्ध का मैदान छोड़ करके इंद्र भागने लगे तो वृत्रासुर ने कहा, देवराज भागो मत, आओ युद्ध करो, क्यों डरते हो? युद्ध में दो ही होता है, या तो विजय होगी या तो पराजय होगी, और यह तय है किसी एक व्यक्ति की ही विजय होगी, दोनों की विजय हो नहीं सकती, एक की विजय होगी एक की पराजय होगी। तो जब दो ही विकल्प हैं और दो में से एक होना ही होना है तो फिर चिंता किस बात की, आओ युद्ध करो। जय और पराजय, लाभ और हानि, इन दोनों से ऊपर उठ करके व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए। फल की चिंता त्याग करके कर्म ही करना चाहिए। और यही गीता में भगवान ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीतेंगे कि हारेंगे इसका विचार मत करो, कर्म करो। अगर पहले से ही मान लोगे कि हम हार जाएंगे और कर्म नहीं करोगे तो जीतने की जो आशा थी वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म करो, आओ युद्ध करो। फिर भी इंद्र नहीं आ रहे थे तो वृत्रासुर ने कहा, क्यों डरते हो? अगर युद्ध में हार भी गए मर भी गए तो क्या चिंता है, क्यों? वृत्रासुर ने कहा, ये जो कुछ है सब तो झूठा ही है। ये जगत क्या है? सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। और सपने में कोई राजा बन जाए, चाहे रंक बन जाए, उसका कोई मतलब नहीं। भाई सपने में आप थोड़ी देर के लिए राजा बन जाते हो, जागने के बाद कुछ नहीं। और सपने में आपका सब कुछ लुट जाए लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं। तो सपने में चाहे कोई राजा बने चाहे रंक बने, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए क्या चिंता, ये संसार का खेल ही झूठा है। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया? जब खेल ही झूठा है तो न यहां हारने का कोई मतलब है, न यहां कोई जीतने का मतलब है। इसलिए आओ कर्म करो। इंद्र आए हैं युद्ध करने के लिए और इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध में मार दिया। मरने के पहले ही वृत्रासुर ने बता दिया था, इंद्र तुम्हारे द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी, और मैं जब भगवान का ध्यान करने लग जाऊं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लग जाऊं तो तुम मेरा वध कर देना। भगवान का ध्यान करते करते मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मुझे भगवान मिल जाएंगे। और वृत्रासुर ने भगवान का बड़ा सुंदर चिंतन किया है, भगवान की स्तुति की है। और फिर वृत्रासुर युद्ध करता है और उस युद्ध में इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ और वृत्रासुर को परम धाम की प्राप्ति हुई। वृत्रासुर की इस भक्ति को देखकर देवता दैत्य सभी प्रसन्न हुए। असुर होकर के ये भगवान का विलक्षण भक्त हुआ। त्वष्ट्रा महर्षि ने वृत्रासुर को इसलिए प्रकट किया था कि ये इंद्र को मार दे, लेकिन इंद्र को मार नहीं पाया, इंद्र ने ही मार दिया वृत्रासुर को। उल्टा फल हो गया। उल्टा फल क्यों हुआ? बोले त्वष्ट्रा महर्षि ने जब यज्ञ किया था तो मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर अशुद्ध हो गया। एक स्वर अशुद्ध होने के कारण मंत्र का अर्थ उलट गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ती